सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के जाने माने पॉलिटिशियन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। तो असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ। असद ओवैसी शुरुआती दौर से ही बहुत इंटेलिजेंट थे, इसलिए इनके पिताजी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने असद ओवैसी को बैरिस्टर बनाने का फैसला किया। असद ओवैसी ने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई निज़ाम कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पूरी की। असद ओवैसी को शुरुआती दौर से ही क्रिकेट का बहुत शौक़ था। वो एक फास्ट बॉलर थे और उन्होंने फास्ट बॉलर विजिट ट्रॉफी भी अपने नाम किया है। असद ओवैसी आला तालीम के लिए लंदन चले गए, वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। असद ओवैसी अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वो भी पॉलिटिशियन में कदम रखे। असद ओवैसी 2004 से 2019 तक हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इससे पहले उनके पिताजी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने शुरुआती में वो एक एमपी थे और उनकी अपनी ही पार्टी AIMIM को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से लेकर 2004 तक वो हैदराबाद से एमपी थे। असद ओवैसी AIMIM पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और ये पार्टी 1927 में बनाई गई थी। असद ओवैसी के पिताजी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में गॉडफादर कहते थे। उसके बाद उनके बेटे अकबर ओवैसी और असद ओवैसी ने उनके ये नाम को बरकरार रखा। सलाहुद्दीन ओवैसी अपनी AIMIM पार्टी को सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित रखे थे, लेकिन जब से असद ओवैसी उस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपनी पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, जो कुछ भी हो जाए बिना घबराए सच पर और हक पर चलने का नाम ही मजलिस है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना।